भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के मन में आता है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। शायद ऐसा कोई गाँव या शहर होगा जहाँ पर मंदिर ना हो। हाल ही में अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का भूमि पूजन किया गया है, जिसे काफी भव्य तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये काफी बड़ा मंदिर होगा, ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वर्तमान में इंडिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर स्थित है। वैसे तो दुनिया के अधिकतर मंदिर भारत में मौजूद है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदुओं की संख्या न के बराबर है, लेकिन वहाँ ऐतिहासिक टेम्पल मौजूद है, वो भी हिंदुओं का। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया शहर की, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल स्थित है, जिसे अंगकोर वाट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी का यह मंदिर 402 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इस टेम्पल का निर्माण कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1112 ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी तक किया गया था। आपको बता दें, इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। अंगकोर वाट को दुनिया के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर वो विदेश का था, अब भारत का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु राज्य के तिरुचिन्नापल्ली में स्थित है। इसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी का ये टेम्पल इतना विशालकाय है, इसके परिसर में पूरा शहर बसा हुआ है। 156 एकड़ में फैला यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध, जहां सभी हिंदू धर्म के लोग भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के दौरान किया गया था। अपनी विशालता के कारण इस टेम्पल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत के ज्यादातर विशाल मंदिरों को द्रविड़ शैली वास्तुकला में बनाया गया है। ऐसे में आपको श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर में भी द्रविड़ शैली दिखाई देने को मिलेगी। भगवान विष्णु जी को समर्पित इस मंदिर का परिसर 7 संकेंद्रीय अनुभागों और 21 गोपुरम में बना हुआ है। गोपुरम से अर्थ मंदिर की चोटियों से है, जिससे जुड़ा एक मिथक ये भी है कि गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, शायद आप जान गए होंगे कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। वैसे देखा जाए तो सक्रिय बड़े मंदिरों में भारत का स्थान सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि कंबोडिया का जो टेम्पल है वो बड़ा तो है, लेकिन हिंदू आबादी न होने के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ है। वहाँ सिर्फ टूरिस्ट देखने के लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही महत्वपूर्ण वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए ओम शांति।